नमस्कार, आपका स्वागत है संगीता किचन ब्लॉग में। आज मैं काफ़ी समय बाद मैं आपको अपना गार्डन दिखा रही हूँ। तो देखिए, हमारे गार्डन में ककड़ी लग रही है। अभी सीजन नहीं है, अगस्त का महीना चल रहा है। आज राखी का दिन है, 19 अगस्त है। और ये देखिए, हमारे यहाँ ककड़ी बिल्कुल तैयार है तोड़ने के लिए। देखिए एक यहाँ भी है, तो इसको तोड़ लेते हैं। यदि इसको हम तोड़ लेते हैं ना, तो दूसरी ककड़ी जो है, छोटे जो ककड़ी हैं, वो जल्दी से वो भी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही छोटे गमले में लगे हुए हैं। देखिए अब गमले देखिए कितना छोटा सा है, इसमें कितना कम मिट्टी है। ये देखिए इसी में लगा हुआ है। और एक देखिए ये भी तैयार हो गया है, तो इसे भी हम तोड़ लेते हैं। ये देखिए, तो दो ककड़ी मैंने तोड़ लिया है। और यहाँ पर देखिए छोटे से ककड़ी लग रहे हैं। ये देखिए, ये छोटे से ककड़ी जो है ना, वो तोड़ने के बाद ये भी बड़े हो जाएंगे। और एक और यहाँ पे छोटा सा है, पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था। जब बड़े वाले ककड़ी मैंने तोड़ लिया, तो छोटे ककड़ी भी बड़े हो गए जल्दी से, क्योंकि बहुत छोटा सा गमला है। इसको जितना विटामिन वगैरह मिलेगा, उसी हिसाब से तो काम करेगा। सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाट रहती है। देखिए यहाँ पर हमारा नींबू भी पकने लग गया है। ये बारहमासी नींबू है, इसमें छोटे नींबू भी लगे हुए हैं, पक भी रहे हैं। और ये देखिए कच्चे भी हैं, हर तरह के हैं। एक देखिए यहाँ पे पक भी गए हैं, ये लगता है टूट गया है किसी चीज़ से लग करके। देखिए ये पके नहीं थे, टूटने की वजह से पीला हो गया है। और अभी सीजन तो नहीं है खरबूजे का, पर हमारे यहाँ खरबूजा भी लग रहा है। देखिए छोटा सा, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, एक यहाँ देखिए खरबूजा भी लग रहा है। और भी कई सारे लगे हुए हैं, इस तरफ भी हैं, एक यहाँ पे। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए खरबूजा, ये देखिए यहाँ पे खरबूजा लग रहा है। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, बाकी सब छोटे छोटे हैं। ये देखिए इस तरह से खरबूजा कई सारे लगे हुए। ये वाली खरबूजा देखिए यहाँ से फट गया, पता नहीं बारिश की वजह से फट गया है या कैसे फट गया है, लेकिन फिर भी ये बड़े हो रहे हैं। पहले काफ़ी छोटा था तो देखा था हल्का सा फटा हुआ, अब ज़्यादा ही फटा हुआ है और बड़े भी हो रहे हैं। तो मैंने इसके बीज नहीं लगाए थे, ये जो हम खा करके कंपोस्टिंग में डालते हैं ना, तो मैं मिट्टी में दबा देती हूँ अक्सर, हाँ, तो इसी वजह से ये उसके बीज से निकल गए हैं। ये इसके मतलब तो ये हुआ कि हम कभी भी खरबूज को लगा सकते हैं और कभी भी फल दे सकता है, क्योंकि अभी सीजन नहीं है तो भी फल दे रहा है। अभी तो सीजन ख़त्म हो गया बिल्कुल, तो ये अपने आप ही उग गया है। तो बिना मौसम का खाना होना, तो अपने छत पे किसी भी गमले में लगा लीजिए और बिना मौसम का इस तरह से खरबूज उगाकर खा सकते हैं। तो खरबूजे देखिए यहाँ भी लग रहे हैं, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये देखिए छोटे छोटे से खरबूजे हैं। आपके घर में किसी को डायबिटीज है, तो ये इंसुलिन का पौधा है। इसके दो पत्ते सुबह में और दो पत्ते शाम को यदि खाली पेट, तो आप एक दो महीना लगातार करेंगे, दो तीन महीने, तो आपको समझ में आने लग जाएगा, धीरे धीरे आपका जो ये है डायबिटीज कम होना शुरू हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा धीरे धीरे। पास के नर्सरी से मैं लेकर के आई थी इसे, गर्मी की वजह से ये थोड़े सूख से गए थे, पर अब बारिश होने के बाद ये बिल्कुल ठीक है। तो देखिए पहले मेरा गार्डन बिल्कुल खाली खाली हो गया था गर्मी की वजह से, बहुत सारे पौधे करीब करीब सूख गए थे। और यहाँ पर देखिए नींबू कितना बड़ा पौधा था ये, और ये नींबू के पौधे भी सूख गए थे बिल्कुल, एक भी पत्ते नहीं थे। अब देखिए इसमें न्यू ग्रोथ हो रहे हैं, थोड़े थोड़े से बड़े हो रहे हैं। और यहाँ पर मैंने पिछले साल जैसे लगाया था सेम का बीज, उसी तरह से ये झाड़ वाली सेम का बीज मैंने लगाया है। ये बहुत बड़ी इसका बेल नहीं होता है, इतने बस 4-5 फीट का हो जाएगा, उसके बाद ये फलना शुरू हो जाता है। और इस वाले में देखिए मैंने कंपोस्टिंग के लिए डाला था, जो भी आम वगैरह खाते थे वो सब डाला था, तो ये पौधे निकल गए हैं। इन सबको हटा देंगे और इसमें लगाएंगे थोड़े दिनों बाद घिया का पौधा लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पर घिया का पौधा तैयार हो रहा है, बहुत छोटे छोटे से हैं अभी, कुछ ही समय पहले मैंने इसमें बीज डाला था। यहाँ पर भी सेम का बीज डाला हुआ है, तो ये देखिए पौधे निकल गए हैं। अब इसमें ये वाला जो है अलग टाइप का है, जो पहले मैं उगाती थी, ये दूसरा बीज है। अब देखते हैं इसमें कैसा फलता है, जब बड़ा होगा तो पता चलेगा, जब फल आएगा इसमें। इस वाले में एक पहले से ही लगा हुआ था,
बोरा का पौधा छोटा सा, तो ये बड़ा हो गया है और देखिए अब फलना शुरू हो गया है। देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा ये फल लगे हुए हैं छोटे छोटे से, और काफ़ी सारे फूल थे यहाँ पर ऊपर से जो पानी गिरता है ना, तो उसकी वजह से फूल झड़ गए थे। इस वाले में कई सारे पौधे लगाए थे पर ये पानी ऊपर से गिरने की वजह से देखिए गमले खराब हो गए हैं, देखिए इस तरह से। तो इसमें करेले का बीज डला हुआ होगा, तो ये देखिए निकल के पौधे ऊपर चले गए हैं। अब ये कुछ समय में हो सकता है कि फलेंगे, और इसमें बोरा का भी है लेकिन अभी ये छोटा सा देखिए यहाँ तक आया है, छोटा सा पौधा है। ये लाल वाली बोरे का पौधा है, ये बेल है, तो ये वाला देखिए इतना बड़ा हो गया है, एक इधर चला गया है, देखिए इसको निकाल करके इसी में कर देंगे, इसे भी बांध देंगे। ये जब फलते हैं ना तो थोड़े से लाल लाल से इसके होते हैं फली। इस वाले पौधे में काफ़ी सारे फूल होते हैं पर अभी बारिश की वजह से झड़ जा रहे थे, लगातार उधर बारिश हो रही थी, तो अब इसमें कुछ फल बनेंगे। देखिए यहाँ पे ये फल बनने वाले हैं और इसमें भी उसी तरह से लगे हुए हैं, तो काफ़ी सारे अब फल लगेंगे। देखिए यहाँ भी लग रहे हैं, एक यहाँ पर छोटा सा दिख रहा होगा बैंगन, ये देखिए, तो अब फलेंगे ये पौधे। इस वाले ग्रो बैग में मैंने वो झिगुनी होती है ना, सतपुतिया जिसे बोलते हैं, उसी का बीज डाला हुआ था, तो ये ऊपर चढ़ गए हैं। अब अभी उसमें फूल वगैरह तो नहीं आ रहे हैं, देखते हैं कब फलता है। ये देखिए काफ़ी बेल हो गए हैं ऊपर, बेल से पूरा भर गया है, पहले बिल्कुल खाली खाली सा था। देखिए मैंने ये बेल चढ़ाने के लिए इस पर जाल लगा दिया था, इसी के ऊपर जा रहे हैं। और यहाँ भी बोरा का बीज मैंने डाला हुआ था, देखिए इसमें हो गया है। इसमें और मिट्टी डाल देंगे, इस गमले में काफ़ी मिट्टी कम है, ऐसे ही मैंने डाल दिया था कि जब लग जाएगा तो मैं कहीं और लगा दूंगी, पर नहीं लगा पाई, इसी में बड़ा होने लग गया, तो इसी में मिट्टी और डाल देंगे। और ये बैंगन के नए पौधे हैं, ऊपर नेट लगा है ना तो काफ़ी लंबे हो रहे हैं पर फल नहीं रहे, इसी वजह से फूल तो काफ़ी हो रहे हैं। अब नेट हटा देंगे कि अच्छी तरह से धूप आएगी तो अच्छे से, देखिए मिली बग यहाँ पर लगा हुआ है, इस पर बीच बीच में स्प्रे मैं करती रहती हूँ, फिर से लग जाते हैं, तो फिर आज स्प्रे कर दूँगी। देखिए हफ्ते में एक दिन स्प्रे ज़रूरी होता है, यदि आपके पौधे में कीड़ा मकोड़ा है या नहीं है, आप स्प्रे बीच बीच में करते रहेंगे नीम ऑयल और हैंड वॉश का, तो कीड़े मकोड़े या फिर मकड़ियों का जो प्रकोप होता है ये सब नहीं होगा, आपके गार्डन से मकड़ियाँ वगैरह कीड़े मकोड़े दूर रहेंगे। और ये देखिए ये तो फिर से इसमें पत्ते आ गए हैं, पर ये देखिए पत्ते आ गए थे, दोबारा ये सूख गए हैं। और ये पुराना वाला ही शिमला मिर्च का पौधा है, फिर से ग्रोथ हुआ इसमें और देखिए एक फूल खिला और यहाँ पर शिमला मिर्च भी बहुत छोटा सा बन गया है। और ये देखिए यहाँ पर नोनी का साग है, मैंने इसे इसलिए छोड़ दिया है कि कई लोगों को ज़रूरत पड़ती है नोनी की साग की, जब ज्योतिया होता है ना उसमें इसकी साग खाई जाती है, तो इसीलिए मैंने इसे छोड़ दिया है। और इसी में यहाँ पर गुड़हल की कलम भी लगाई हुई है। पिछले साल मैं जितने भी गुठलियाँ होती थी सारे गमलों में डाल देती थी तो हर एक जगह पौधा निकल जाता था, तो इस बार मैंने एक ही गमले में सारी गुठलियाँ ऐसे ही ऊपर से रखी हुई है, देखिए। और कुछ तो जो नीचे हैं उसमें पौधे निकल गए हैं, जो ऊपर हैं वो ऐसे ही हैं, तो मैंने एक में ही डाला है, नहीं तो क्या होता है कि सारे गमले ख़राब होने लग जाते हैं। अब ये वाली गुलाब देखिए एक भी पत्ते इसमें नहीं थे, अब इसमें अभी एक फूल दो तीन दिन पहले खिला था और फिर से देखिए यहाँ पर कलियाँ बन रही है, तो अब ये भी थोड़ा ठीक हो जाएंगे ये पौधे। और देखिए यहाँ भी कली दिख रही है छोटी सी, तो अब नए नए ग्रोथ होंगे और पौधे सरवाइव कर लेंगे। और ये सदाबहार तो हमेशा खिलता ही रहता है, बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े होते हैं और उस समय आपको स्प्रे ज़्यादा करना पड़ता है। तो ये देखिए यहाँ पर इस वाले में बाल्टी में लगा हुआ है ये करेला, तो ये देखिए ऊपर को आ गया है और यहाँ पर दो तीन फल दिख रहे हैं, ये देखिए एक छोटू सा और यहाँ पर है, देखिए। तो अब फलना शुरू हो जाएंगे ये। और इस वाले में मैंने सेम जो लगाया है हर एक साल जो लगाती थी, अब हमारे पास जो बीज था वही वाली लगाया हुआ है इसमें, और ये अब ऊपर फैलना शुरू हो गया है, ये पहले लगाई थी इस वजह से ये बड़ा हो गया है।
तो इस सीजन में देखते हैं क्या क्या फलता है और कैसा फलता है। और ये रेड वाली गुड़हल है, ये तो काफ़ी खिलते रहते हैं, देखिए यहाँ भी कलियाँ वगैरह हैं। अब जैसे ही नेट हटा देंगे ना, तो देखिएगा इसके पत्ते जो है ना बिल्कुल हरे भरे हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा जो इस तरह से दिख रहे हैं ये बिल्कुल अच्छे से पत्ते हो जाएंगे। यहाँ पर बीज मैंने झाड़ू लगा करके, जो नीचे था ना ज़मीन में बिखरा हुआ बीज, तो वो जो मैं सब्जी बनाने के लिए लाती थी वही वाला करेले का बीज था, थोड़ा पक गया था, तो इसमें डाल दी थी कंपोस्टिंग के लिए। तो इसमें से भी पौधे निकल करके देखिए इसके ऊपर चढ़ गए हैं, ये देखिए ऊपर को यहाँ तक आ गए हैं। और इसमें भी देखिए कलियाँ हो रही है, यहाँ पर दिख रहा होगा कलियाँ वगैरह शुरू हो गई है, ये अपने आप ही हो गए हैं, इसे मैंने लगाया नहीं था। तो बारिश के मौसम में पौधों की ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, क्योंकि बारिश के मौसम में ज़्यादा कीड़े मकोड़े जो होते हैं ज़्यादा ही लगते हैं, कुछ समय ज़्यादा लगेंगे। तो इस समय आप स्प्रे वगैरह समय समय पे करते रहेंगे ना, तो आपके पौधे बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। इस समय थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो देखिए इस पौधे को मैंने पूरा निकाल के रिपोर्ट किया था, क्योंकि इसमें पत्ते एक भी नहीं थे, सारे पत्ते ख़त्म हो गए थे। उसके बाद देखिए इसकी न्यू ग्रोथ हुई है और इसके पत्ते का रंग देखिए अब थोड़ा सा शाइन करने लग गया है। ये डबल पेटल वाला गुड़हल है रेड वाली, ये जब खिलते हैं ना तो बहुत सुंदर लगता है, बिल्कुल गुलाब की तरह लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। इस पौधे की भी मैंने रिपोर्ट किया है, क्योंकि बहुत सारे इसमें गमले में बहुत सारे छोटे छोटे से पौधे निकल गए थे, तो मैंने बाहर निकाल करके उस पौधे को, छोटे वाले पौधे को किसी किसी को दे दिया जिनको ज़रूरत थी। और मैंने बहुत छोटे गमले में इसलिए लगाया है क्योंकि बहुत ज़्यादा फैलता है इसका तना, इस वजह से मैंने छोटे में लगाया। इसमें भी फूल आते हैं, कई साल में एक बार दो बार तो फूल आ ही जाते हैं इसमें। तो वो वाले देखिए दो पौधे, एक वहाँ रखा है एक यहाँ पे है। इस बार ये पीला गुड़हल है, इसे भी मैंने रिपोर्ट किया है, तो अभी अभी किया है एक दो दिन पहले। तो देखिए अभी इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हुई है, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक हफ्ता के करीब लगेगा, उसके बाद फिर अच्छा ये चलना शुरू हो जाएगा। ये देखिए इसके पत्ते अभी अच्छे नहीं लग रहे हैं, ये पौधे अभी खुश नहीं हैं क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रेस में चले गए हैं, जड़ वगैरह काफ़ी था इस गमले में, तो मैंने जड़ को थोड़ा हटाया है, तो थोड़ा समय तो लगेगा। और ये हमारी तुलसी जी हैं, देखिए राम तुलसी जी और श्याम तुलसी जी। मैं ये इसके जो फूल हैं मैं काटती रहती हूँ और फिर से ये नए निकल जाते हैं। एक हफ्ता मैंने छोड़ दिया, तो एक हफ्ते में देखिए इस तरह से कितने सारे फूल हो गए हैं। इन सब को फिर से काट के हटाऊंगी मैं। इस तरह से फूल यदि आप छोड़ देते हैं ना, तो पौधे क्या करते हैं कि इसके फल बनाने में, बीज बनाने में लग जाते हैं और आपके पौधे पुराने से नज़र आने लगते हैं, ख़राब होने लग जाते हैं। तो इस तरह इसलिए इसे बीच बीच में इसका जो होता है फूल और ये फल, इसका हटाते रहेंगे तो आपके पौधे और घना और हेल्दी बने रहेंगे। तो यदि तुलसी के पौधे को घना करना हो तो इस तरह से ज़रूर कीजिएगा कि बीच बीच में इसे काटते रहिए, थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से इसका टॉप काट देंगे तो ये अपने आप वहाँ से कई सारे ब्रांच निकलना शुरू हो जाएंगे। तो यदि मेरी वीडियो ज़रा सा भी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है फ्रेंड्स, एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।